हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ESC इजी स्टिचिंग एंड फिटिंग। फ्रेंड, आज आपके साथ मैं एक स्लीव्स की डिजाइन शेयर करूंगी। बहुत ही एकदम प्रिटी सा लुक है। ये देखिए, आगे से कटेट वाली साइड है और यहाँ पे मैंने एक ये कंट्रास्ट में बटन लगाया है। आप चाहे तो इसमें बिल्कुल सेम कलर का भी बटन यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपने ट्राउजर के जो कंट्रास्ट का कलर है रेड, वो ही बटन लगाया है। तो देखिए कितना अमेजिंग लुक आ रहा है इसका। तो यही आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे कि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये स्लीव्स हम किस तरह से बनाएंगे। उसके लिए मैंने अपनी ये स्लीव्स कट कर रखी है। मैं इसका आपको नाप बताती हूँ। ये स्लीव्स मुझे 13.5 इंच तैयार रखनी है। तो इसमें मैंने, ये देखिए, 12.5 इंच इसको कट किया है और यहाँ पर मैं आगे 2 इंच की इसमें कट वाली स्लीव्स लगाऊंगी, तो 2 इंच उसका एक्स्ट्रा बढ़ेगा। तो ये मेरी 14 इंच या 13.5 इंच के लगभग तैयार होगी। आप जितनी स्लीव्स की लंबाई रखना चाहते हैं उससे 2 इंच इसको छोटा कट कीजिए, ठीक है। तो ये मेरी स्लीव्स कट हुई है। उसके बाद हम 2 टैट्रॉन के पीसेस लेंगे। ये देखिए, मैंने ये खड़ी वाली टैट्रॉन के पीसेस लिए हैं। आप चाहें तो पेपर पेस्टिंग भी ले सकते हैं। इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 2 इंच और इसकी जो लंबाई है वो रखेंगे हम अपनी स्लीव्स के बॉटम के अकॉर्डिंग। 14.5 इंच मैंने अपना बॉटम कट किया है। तो ये देखिए, 7.25 ये है मेरा और 7.25 ही ये है, ये देखिए। और इसकी चौड़ाई भी मैंने 2 इंच रखी है। अब क्या करना है हमको, 2 सेम फैब्रिक के पीसेस लेंगे इस तरह से और इसको हम इस तरह से डबल करेंगे। डबल करने के बाद हम इस पे अपना टैट्रॉन का टुकड़ा रखेंगे और यहाँ से एक साइड से हल्का सा टैट्रॉन के ऊपर सिलाई को चढ़ाते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे। बहुत इजी है फ्रेंड इस डिजाइन को। अब दूसरा पीस भी लेंगे और उसको भी इसी तरह से फोल्ड करेंगे और दूसरे पीस को भी इसके ऊपर इसी तरह से हमको रखना है। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये वाली साइड जो हमारी है बिल्कुल सेम साइड इधर भी हमारी आनी चाहिए। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, इस तरह हमको ये देखना है, इस तरह से। ये देखिए, इधर से हमने इस साइड को बंद किया है तो इधर से इस साइड को बंद करेंगे। दोनों आमने सामने आनी चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये वाली साइड हमको बंद करनी है। यहाँ से हम इस पर सिलाई चलाएंगे। अब यहाँ फिनिशिंग वाली सिलाई डाल देंगे दोनों पर। देखिए, कुछ इस तरह से हमारा इसका लुक क्रिएट होगा। उसके बाद अपनी स्लीव्स लेंगे और यहाँ पर मैंने एक सेंटर मार्क लगाया हुआ है, ये देखिए छोटा सा। अब इसको हम इस तरह से सीधी वाली साइड से रखेंगे, सीधी वाली साइड, और यहाँ से इसको एडजस्ट करके इस तरह रखेंगे। पहले मेजर करके देख लेंगे, ये देखिए इस तरह से। अब हमको हल्का सा टैट्रॉन के ऊपर भी सिलाई आए, ये इसके लिए इस तरह कपड़े को फोल्ड करके हल्का सा यहाँ पर हम ऐसे मार्क लगा लेंगे, जिससे हमें पता रहेगा टैट्रॉन हमारी कहाँ पर है। अब इसको अच्छे से यहाँ सेंटर से इस तरह से
मिलाते हुए रखेंगे और हल्का सा टेट्रॉन के ऊपर सिलाई को लगाएंगे। अब इसको हम इस तरह से टर्न करेंगे और यहाँ ऊपर भी हम फिनिशिंग वाली सिलाई लगाएंगे। अंदर टेट्रॉन को दबाते हुए डबल सिलाई लगाऊंगी, आप सिंगल लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। देखिए फ्रेंड, अब मेरी ये स्लीव्स का कट रेडी है और यहाँ पर मैं इसी तरह से कंट्रास्ट वाला ये बटन लूँगी रेड कलर का। तो फ्रेंड बताइएगा ज़रूर कि आपको ये स्लीव्स का डिज़ाइन कैसा लगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।